भारत सरकार एवं WHO के गाइडलाइन अनुसार आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य प्राइवेट डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को HIV एड्स बीमारी के प्रति जागरूक करना, HIV ग्रसित मरीजों की पहचान करना और उचित सलाह देना बताया गया। यह कार्यशाला प्राइवेट डॉक्टर्स हेल्थ वर्कर्स के लिए रखी गई। इस अवसर पर CHMO डॉक्टर निदाड़िया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, साथ ही सिविल सर्जन डॉक्टर मैना, डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर चौरासिया भी उपस्थित रहे। आज हमारा विशेष प्रशिक्षण जिला चिकित्सालय शाजापुर में था, जिसमें लगभग 40 प्राइवेट सेक्टर के चिकित्सा साथियों ने बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन किया। पार्टिसिपेशन में सभी चिकित्सा साथियों का उत्साह सहयोग सराहनीय रहा। HIV के क्षेत्र में जो WHO का लक्ष्य है कि हम इस महामारी का अंत 2030 तक करें, इसी तारीख में यह आज का प्रशिक्षण था। और इस प्रशिक्षण में भारत में कार्यरत जितने भी चिकित्सा साथी जो निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनका सतत सहयोग, सक्रिय सहयोग हमको HIV के पेशेंट जो समाज में अनडायग्नोस हैं, जिनका रोग निदान का कंफर्म नहीं हुआ है, उनको ढूंढना, उनको HIV की मुख्यधारा में जोड़ना, ARDS को स्टार्ट करना, इसी तरीके से हम इस HIV की महामारी को नियंत्रित कर सकते हैं, समाप्ति की ओर ले जा सकते हैं। और इसमें निजी चिकित्सा क्षेत्र के जितने भी हमारे साथी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मरीजों को बहुत कुछ राहत दे रहे हैं। लेकिन यदि उनका सक्रिय सहयोग इस क्षेत्र में भी मिलेगा तो निश्चित रूप से हम जो हमारा लक्ष्य है, जो भारत सरकार का लक्ष्य है, विश्व का लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। धन्यवाद सर। ये ट्रेनिंग कब तक जारी रहेगी? ये सतत 4 वर्ष का हमारा ये कार्यक्रम है। 4 वर्ष तक हम उज्जैन संभाग के अलग अलग जगह जहाँ पर हमारे ICTC केंद्र हैं, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के सभी चिकित्सा साथियों को हम ट्रेन करेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि उज्जैन संभाग में हम कम से कम 1000 चिकित्सा साथियों को इस कार्य के लिए ट्रेन करें और उनका सहयोग लें और इस कार्य को हम एक सफलता की ऊंचाइयों की ओर ले जाएं। ट्रेनिंग जो है वो इस उद्देश्य से दी जा रही है कि हमें मालूम है कि HIV जो है उसको ख़त्म करना है, ये लक्ष्य है WHO का और अपने भारत सरकार का भी। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण से HIV के जो पेशेंट्स हैं वो आगे बढ़ के नहीं आते, चाहे उनको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो भी। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, वो थोड़ा सा आगे आए, थोड़ा सा उनको जानकारी हम दें कि वो उनको आइडेंटिफाई करें और ARDS सेंटर पर भेजें, उनको रजिस्टर करें, ताकि उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाए, उनको सही तरह से इलाज मिल पाए और वे और ज़्यादा डिटोरिएट ना हो और उनका जीवन स्वस्थ जीवन जो है उनका चलता रहे। ग्रामीण भारत TV के लिए शाजापुर से शब्बीर अत्तार की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।